अरे नहीं नहीं, इस बार डाकिया डाक के साथ बैंक भी लाया। भारतीय डाक आपके दरवाजे तक बैंक लेकर आ गई है, भारतीय डाक की आईपीपीबी के साथ। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, आपका बैंक आपके द्वार। देश के ग्रामीण इलाकों में डाकिये और ग्रामीण डाक सेवक हैं 3 लाख, मतलब कि अगर ये सब ठान लें तो इंडिया को कैशलेस बनने से कोई रोक नहीं सकता है। डाकिये को हर कोई प्यार करता है, डाकिया हर किसी को प्यार करता है, लेकिन उस डाकिये की तरफ कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमारे पोस्ट ऑफिस को पेमेंट बैंक में कन्वर्ट करने की दिशा में काम उठाया है। ये पेमेंट बैंक बनने से एक साथ देश के गांव तक बैंकों का जाल बिठेगा, जनधन अकाउंट का लाभ मिलेगा और सामान्य मानवीय मनरेगा का पैसा भी अब आधार के द्वारा उसके खाते में जा रहा है, करप्शन कम हो रहा है। इंदर की बोले की चमेली की बारी है, सबका खुले खाता ये मेरी जिम्मेदारी है। सेविंग करंट बोलो ये किसकी क्या तैयारी है, आधार को भूलना नहीं इससे रखनी यारी है। बिल जमा करवा दो चाहे पैसे घर भिजवा दो, घर बैठे बैठे ही तुम बैंक को बुलवा दो। छोटे तुम बड़े हो जाओ करो इंतजार, छोड़ो मजबूरी भैया ले लो लोन ए बार। ओ, फोन में तेरे ये सब कुछ ए, सोमनाथ लाया। ये सब डाकिये पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, फाइनेंशियल उत्पाद और सेवाओं की ट्रेनिंग लेकर, स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस लेकर, मतलब कि चलता फिरता बैंक लेकर। जरिए ढेर सारे ढूंढ निकाले हैं, काउंटर सर्विसेज, मर्चेंट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप, एसएमएस और आईवीआर। पर जो अब तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित रह गए उन तक अब बैंकिंग सुविधाएं पहुंचानी है। बस गाँ गाँ तक डिजिटल इंडिया का पैगाम लाया, पिछड़े हुए हम सब तक सबका विकास लाया। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, आपका बैंक आपके द्वार।